गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? इसी होप के साथ कि आप सब ऑसम होंगे और मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर से अपने चैनल में। क्या हुआ, गिर गए आप? फिर ऐसे क्यों बैठो, ठीक से बैठो। गाइज, आज मैं सो गई थी दोपहर को, क्योंकि क्या हुआ कि मैं ना थोड़ा थकावट सी फील कर रही थी। वैसे मैं बीच बीच में रेयर सोती हूँ, कभी कभी पर सो जाती हूँ समटाइम्स ना। आज पीहू के स्कूल में था टीचर्स डे का सेलिब्रेशन, तो उसकी वजह से पीहू की आज जल्दी छुट्टी हो गई थी और इसके पापा भी आज जल्दी चले गए थे ऑफिस, इसको लेके आना था तो इस वजह से मैं ही लेके आई थी इसको। इनफैक्ट मेरा तब घर का काम भी नहीं होता, क्योंकि मेरा घर का काम ना लेट ही खत्म होता है। मैंने पहले बस किचन साफ किया था, बर्तन साफ किए थे, शेल्फ वगैरह साफ की, उसके बाद मैं इसको लेने चली गई थी स्कूल में। और आगे बोलती, मम्मा ये क्या है, अभी तक सफाई नहीं की, ये है वो है, मतलब ये ना बड़ा बोल सुनती है फिर इस बात के लिए। मतलब इसको अच्छा नहीं लगता कि ऐसे अभी तक गंदा पड़ा है घर। तो उसके बाद जैसे ही मैं आई, मैंने इसको बिठाया तो उस पर बेड पे टीवी वगैरह देखने लगी, इसको खाने को दिया, फिर मैंने काम शुरू किया। मुझे 1 o'clock हो गया था, 1 o'clock or 1:15 ऐसी समथिंग हो गया था, थक चुकी थी मैं उस टाइम। फिर उसके बाद थोड़ा सा लेटी मैं, फिर मुझे नींद आ गई, फिर मैं सो गई और अब उठी हूँ। अब बस उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। बेटा नहीं गिर जाओगे, देखो अभी गिर जाते ना। बस अब मैं करने वाली हूँ खाने की तैयारी। फिलहाल एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बूजों के बाल हो जाते हैं शाम को। वैसे हम उसको साइड में ही बांधते हैं अभी, इसीलिए थोड़ा सा कि बाल बाल से हो जाते हैं थोड़ा, फिर बच्चे खेलते हैं शाम को आके, तो अभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे तो साफ फिट लग रहा है फर्श, साफ ही होता है वैसे तो, बट वही बाल की वजह से थोड़ा सा होता है कि बाल बाहर कर देती हूँ। चलो ठीक है गाइज, बाकी मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो गाइज, आज का जो मेरा ब्लॉग है उसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ जब मैं गई थी जयपुर और मैं गई थी दिल्ली। वो वाले मैंने मतलब वहाँ का ब्लॉग तो दिखाया था आप लोगों को कि वहाँ पे दीदी और के पास जब गई थी, वहाँ पे जो घूमना फिरना किया था, बट मैंने वो नहीं दिखाया जो मैं वहाँ से लेके आई थी। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ वही चीज़। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि दिल्ली वाली जो है ना वो मोस्टली मैं ड्रेसेस वगैरह पहन चुकी हूँ जो दिल्ली वाली सिस्टर के पास गई थी तब लाई थी। ये ना इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, ये है फ्रॉक सूट। मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे दिखाऊँ। ये है फ्रॉक सूट इस तरह से, इसका पूरा मतलब नीचे तक गाउन सूट है ये एक तरह से, और जो इसका ऊपर से वाला हुआ है ये पता नहीं इस पे क्या लग गया रेड रेड सा, अभी मैंने पहना नहीं है एक बार भी वैसे ये, और ऊपर से है ये ऐसा पूरा, ये इसकी बाजू में पूरा लॉन्ग है, और इसके साथ ये वाला है दुपट्टा, ये दुपट्टा इसका सॉरी, और इसके साथ जो नीचे पहनने के लिए है वो प्लाजो है। बेटा अभी नहीं, बाद में खाना। ये देखो ये इसका प्लाजो है। खा ले यार, चॉकलेट खाने के लिए बोल रही है अभी इस टाइम। ये है इसका प्लाजो, तो एक तो ये दीदी ने दिया था मुझे जयपुर से आई थी जब मैं, तो दीदी ने दिलवाया था मुझे, और एक दीदी ने मुझे ये ऑफिशियल सी साड़ी दी थी, मुझे बहुत प्यारी लगी। इसमें ना सिंधी कढ़ाई है, ये पूरी इसी तरह से है, ये पूरी इसी तरह से है साड़ी, और ये इसका पल्ला है, बहुत सुंदर लग रही है साड़ी, इसको मैं स्टिच करवा के रखूंगी। वैसे साड़ी पहनती नहीं हूँ मैं, बहुत कम डालती हूँ। ये इसका पल्ला है, और यहाँ से ये है साड़ी, ये भी मुझे दीदी ने दी थी वहाँ जब मैं गई थी, जो मैं आपको बता रही हूँ जयपुर में। इस पे हो रखी है सिंधी कढ़ाई, जिसको सिंधी कढ़ाई बोलते हैं। और इसके अलावा मैं साथ साथ तय भी करके रखूंगी। एक दीदी ने मुझे टॉप भी दिया था ये वाला, बट ये ना थोड़ा लूज है, इसको प्रेस करना है। अभी मैंने पहन के देखा था तो मुझे लूज लगा, जिस दिन पीयू की डेमोन्स्ट्रेशन थी उसके बाद मैंने इसको ऐसी प्रेस करने के लिए रख दिया, इसको प्रेस करना है, इसलिए इसमें इतनी सारी सिलवटें पड़ी है, धो के रख दिया था मैंने। ये थोड़ा सा लूज आ रहा है मुझे। और एक मैंने सूट पहना था, वो आप लोगों ने देख लिया होगा, दिखाती हूँ बट फिर भी। अभी परसों पहना था मैंने ब्लैक कलर का सूट, ब्लर आ रही है यार, अब ठीक है। तो ये वाला सूट है वो, मैं आपको दिखाती हूँ ये सूट। वैसे तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देख ही लिया था ये सूट, पर फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा से दिखाती हूँ।
ये होगा सूट, ये भी मुझे जैकेट से दिया था, इसके नीचे लगी है मतलब स्लैक है इसके नीचे ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था ना, मैं दूसरी लाइट भी अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो दिल्ली से लेके आई थी मैं, यानी कि छोटी वाली सिस्टर ने दिए थे जो। एक तो ये वाला ये कुर्ती है, इसके साथ ही नीचे स्लैक्स है, गोल्डन डाल लो, वैसे आप चाहे ब्लैक डाल लो, कैसे भी डाल लो चली जाएगी इसके नीचे। इस पर ना ये वो कढ़ाई हो रखी है, कौन सी बोलते हैं, सो चिकन की कढ़ाई होती है जैसे, ये इसकी बाजू है यहाँ से, और ये है इसका गला। इसकी भी बहुत सुंदर लग रही थी, तो ये वहीं से लिया था दिल्ली से, सिस्टर ने दिलवाया था, मैंने पसंद किया था। और वहाँ से मैं लेके आई थी, और भी मैं पीहू के काफी सारे कपड़े लेके आई थी। इनकी तो टी शर्ट्स आपने देखी हुई हैं, वैसे अभी मैंने ये एक ही बची हुई है जो प्रेस करने के लिए, बाकी सारी अंदर जो मोस्टली टी शर्ट्स डालते हैं वो सारी हम वहीं से लेके आए थे, साथ में एक बॉक्सर लेके आए थे ये। और कहाँ गई वो वाली शर्ट, अच्छा वो तो अंदर ही है, पीहू की लेके आए थे। काफ़ी सारी ड्रेसेस पीहू भी पहनती रहती है, बट मेरी ये इसलिए पड़ी क्योंकि घर में आपको पता है मैं टी शर्ट्स वगैरह डालती हूँ नॉर्मल जो रहती हैं। एक ये वाली शर्ट, ये भी मैंने किसी ब्लॉग में पहनी है। ये ना हमें प्रेस हुई है ना दिखा नहीं रही हूँ पूरी खोल के, चलो दिखाई देते हैं। ये वाली शर्ट, ये भी मैंने दिल्ली से ली थी, इसके साथ पैंट ली थी, तो पैंट मतलब सिंपल ही है जींस में, तो रखी हुई है अभी अंदर, मुझे दिख नहीं मिल नहीं रही है वो बोली वो पहनती हूँ मैं इसके, वैसे इसके साथ स्लैक्स भी अच्छी लगती है, बट स्लैक्स में ये है कि इसका आगे से जो है ना, आगे से तो ये शॉर्ट है, थोड़ी सी शॉर्ट है इतनी नहीं, बट पीछे से लॉन्ग है, पीछे से सही लगती है, आगे से थोड़ा सा वो लगता है उसके साथ लेगिंग वगैरह के साथ, तो इसको मैं जीन्स वगैरह के साथ भी डाल लेती हूँ। वहाँ पर मैं जयपुर गई थी तब मैंने वहाँ पर भी डाल ली थी। ये तो हो गया सारा, इनकी टी शर्ट्स भी आप देख चुके हो, पीहू के जो कपड़े लाए थे वो भी आप देख चुके हो, और थोड़ा सा वैसे सामान भी लाई थी मैं थोड़ा बहुत। ये वाले लाख के कड़े, ये देखो ये वाले मैं वहीं से लेके आई थी, ये वाले कड़े भी मैंने जयपुर से लिए थे, ये देखो ये वाले और ये वाले, ये लाख के कड़े लिए थे वहाँ से जयपुर से, ये भी मैंने पहने नहीं है अभी। और दिल्ली से मैं ये भी लेके आई थी रिंग्स, एक तो दो लाई थी आई थिंक वहाँ से, पता नहीं एक ही लाई थी, ये वाले एक शायद अंदर रखे हुए हैं, ये वाले इयर रिंग लेके आई थी एक पेयर, और कहाँ गया, काफ़ी सारा सामान लेके आई थी मैं दिल्ली से, तो ज़्यादा लेके आई थी जयपुर से मैं कम ले, हाँ एक ये वाला, ये भी मैंने एक ब्लॉग में डाला था, ये वहीं पे डाला था मैंने ना, डाले थे मतलब इयर रिंग्स, ये वाले एक ये वाला। बाकी ये सारी टी शर्ट्स जो रखी हुई हैं इनकी, ये तो आप लोगों ने सारी देखी हुई हैं इनकी टी शर्ट्स, ब्लू कलर की ये वाली, एक वाइट कलर की वो थी, और ये येलो कलर की, देखो ये ना सारे कपड़े देखना कैसे मैं पूरा सेट करके रखती हूँ, पूरा ऐसे कर देते हैं ये कि बस बंदे को ना गुस्सा ही आ जाए। देखो गाइज एक मैं ये पंजाबी जुत्ती लेके आई थी, ये देखो ये लेके आई थी मैं पंजाबी जुत्ती, और इसके अलावा ये वाले सैंडल लेके आई थी, ये ना वहाँ पे जैसे जूट के बने होते हैं ना वो चीज़ है, और बड़े कंफर्टेबल है सीरियसली, बड़ा मतलब कंफर्टेबल लगता है, रिलैक्स लगता है। ये वहाँ पे है एक दिल्ली हाट जहाँ से हम लेके आए थे, है ना पानू, दिल्ली हाट था उसका नाम, हाँ यही था पिंजौर, चल दिल्ली में पिंजौर कहाँ से आ गया, कहीं पिंजौर कालका तो नहीं था, पंचकुला तो नहीं था, दिल्ली में पिंजौर कालका पंचकुला चंडीगढ़ है ना सब कुछ था। ये देखो अब मेरे हो गए हैं कपड़े प्रेस के बहुत सारे, इन वाले कपड़ों को मैं रख देती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ प्रेस की तैयारी। बेटे नहीं राजे, मैं करती हूँ अभी प्रेस स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद खाने का टाइम भी होगा, पीहू अभी खेल रही है जस्सी के साथ, फिलहाल करते हैं अपना काम।
आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। प्रेस करने के लिए कपड़े रखे हुए हैं, ये देखो मैंने कपड़ों का पहाड़ बनाया हुआ है यहाँ पे, तो मैंने अभी प्रेस करनी है थोड़ी देर में। फिलहाल मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ और होप करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा आपका आज का व्लॉग पसंद आएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और सॉरी फॉर थोड़ा सा लेट वाला व्लॉग, जो मेरे सामान में लेके आई थी, अभी भी थोड़ा बहुत सामान है जो मैं नहीं दिखा पाई हूँ, मुझे ध्यान नहीं है मैंने कहाँ रखा हुआ है, या टॉयज़ वगैरह या पीयू के जो भी थे वो मुझे ध्यान नहीं है कहाँ पे रखे हुए हैं, कैसे है, या खेल भी रही होगी शायद इधर उधर रखे होंगे। तो बाकी आप आज का व्लॉग मेरा इन्जॉय कीजिए और अपना ध्यान रखिए। कल फिर मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ओके गाइज, बाय बाय, गुड नाइट, बाय गाइज़।